हेलो एवरीवन, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमिति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट वन में हमने फॉर्मूले बताए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम पार्ट टू करवाएंगे आपको, और पार्ट टू में जहाँ पे आपको क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे पूरा कवर कराएंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले ज्योमेट्री के जितने भी पार्ट वन में फॉर्मूले थे वो सारे हमने बता दिए हैं। अब जो फॉर्मूले जहाँ यूज होंगे क्वेश्चन में वो फॉर्मूले हम वहीं पर आपको बता देंगे, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्राइंगल 4 तक हम उसमें पार्ट वन में कवर कर चुके हैं, मतलब पूरे सॉल्व कर दिए हैं। अब इसमें पार्ट टू में हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, देखिए ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कभी भी अगर ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए हों, ठीक है, तो और उसे बताना हो कि कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, तो उस केस में सबसे पहले आप डिस्टेंस लगाइए, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करेंगे, अगर हम पहले को ए मान लें, दूसरे को बी मान लें और तीसरे को सी ले लें, ठीक है? यानी हमें क्या निकालना है, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ। अगर हम ये लेंथ निकाल लें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? और इसके लिए हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला मैं यहां लिख देती हूं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जहां एक्स वन और वाई वन क्या है, ये डी यानी कि डिस्टेंस है, एक्स वन और वाई वन, एक्स टू वाई टू क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं दो पॉइंट के, ए और बी के, ठीक है? यानी अगर ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई वन है और बी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ठीक है? अब हम इसमें सब में यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। पहले हम ए बी लेंगे, तो इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू मानेंगे, क्लियर? अब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो कैसे लगाएंगे, देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया वन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब दिस माइनस दिस, ठीक है? अब इसे सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं रूट माइनस थ्री का स्क्वायर, और ये जीरो हो गया, ठीक है? यानी कि आ गया कितना, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, थ्री, थ्री थ्री जा नाइन हो गया, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री, यानी इसकी वैल्यू तो आ गई थ्री, यानी ए बी आ गया थ्री। बी सी निकालिए, बी सी देखिए इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू ले लीजिए, तो क्या आएगा, थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये, थ्री माइनस वन यानी टू का स्क्वायर यानी फोर, फाइव माइनस वन यानी कि फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन, सोलह, ठीक है? रूट ट्वेंटी, रूट ट्वेंटी को कैसे लिखेंगे, चार पंचे बीस फैक्टर कर दें, तो कितना हो गया, टू रूट फाइव, ये निकल गई बी सी, ठीक है? अब हम निकालेंगे ए सी, ए सी कैसे निकालेंगे, सेम, मतलब ये एक्स वन वाई वन या एक्स टू वाई टू ले लें, तो थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर फाइव माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, मतलब रूट वन प्लस सोलह यानी रूट सेवनटीन, क्लियर? यानी कि तीनों साइड अलग अलग हैं, ए बी, बी सी और ए सी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब कि स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है? अगर इक्वल आ जाती सॉल्व करके तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता, क्लियर? तो इस तरीके से हम इसमें डिस्टेंस लगा करके, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकालेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, छठा क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिए। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने पहले लिखवाया है और वही फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है पहले तो ये समझ लीजिए। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टू सेंट्रॉइड एंड टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 4, 8, 9, 7 और ये दे रखा है, मतलब एक ट्राइंगल अगर बना लें, ठीक है, और इसमें मान लें ए बी और सी, तो और यहाँ पे सेंट्रॉइड को हमने मान लिया ओ, ठीक है। तो सेंट्रॉइड आपका जैसे ये सेंट्रॉइड दे रखा है तो पहले वाला सेंट्रॉइड होगा यानी कि 4 और 8, तो 4, 8 ये कोऑर्डिनेट हो गया इसके सेंट्रॉइड के, और ये पॉइंट हो गया पहला 9, 7 और जो बी हो गया ये 1, 4 हो गया, ठीक है। और सी को आप मान लें एक्स और वाई, एक्स और वाई आप निकाल लेंगे तो 3 वर्टिसेस अगर दिए होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, देखिए पहले हम x और y निकालें। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, जहां पे x क्या है, ये x है ये y है, ठीक है, ये x है ये y है। तो हम इसको अगर मान लें x3 को ये x3 हो गया y3 हो गया, तो हमने इसको x और y अज्यूम किया है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये जो वैल्यू है वो ये दे रखी है 4 इज इक्वल टू x1 9 प्लस 1 प्लस x अपॉन 3, तो कितना हो गया 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं इसको 9 प्लस 1 x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, 12 माइनस 10 2 आ गया x, ठीक है। अब इधर आइए y निकालिए, y इज इक्वल टू y की वैल्यू दे रखी है 8, 8 इज इक्वल टू y1 मींस 7 प्लस 4 प्लस y, 7 प्लस 4 प्लस y अपॉन 3, तो कितना हो गया 8 × 3 = 24, 7 × 4 = 11, ठीक है, क्लियर। अब 11 को इसमें माइनस कर दीजिए तो यहाँ 11 लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 और 1 13, y आ गया 13, ठीक है, 4 में से 1 गया 3 और ये y 13 आ गया, और यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो जाएंगे 2 और 13, ठीक। अब तीनों कोऑर्डिनेट आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे और सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें आपको एरिया निकालना बताया गया है। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी के वर्टिसेस दिए हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे 1/2, ठीक है, मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड में ये लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर जिन्होंने डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना, तो वो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसमें पुट कर देंगे कोऑर्डिनेट की वैल्यू और इसको सॉल्व कर देंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला ये होता है, एक ये होता है, इनमें से कोई भी लगा दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने निकाला हुआ है इसमें पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 26। इसमें डिस्टेंस ही दे दी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वाई बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 18 माइनस ये हो गया फिर 6 माइनस वाई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, 26 को 26 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, 6 × 36 × 2 = 12, ये कितना हो जाएगा 156, 6 × 2 = 12
हर एक 5, 676 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर वैसे लर्न भी कर लीजिए 676, और इन दोनों को प्लस करिए तो कितना हो गया 6, 12, 13, 14, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसका अगर नहीं भी निकालते ना तब भी आपका निकल जाता, अगर ये 26 का स्क्वायर नहीं निकालते तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा देते, देखिए 676 अगर हम नहीं लगा रहे इसमें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आ गया आपका, आप इसको इधर ले आइए, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो 26 प्लस 24 और 26 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करिए 6 और 4 10, 2 2 4 1 5 इंटू इसमें से माइनस कर दीजिए 24 25 26 2, ठीक है, तो कितना आ गया ये 100 आ गया, तो 6 माइनस वाई का वाई इज इक्वल टू 100, 100 क्यों, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 10 आ गया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y को इधर ले जाइए माइनस में आंसर आ रहा है, सो माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 मतलब कि y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 4 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8 देखिए क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ये दिया है और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ये दे रखा है, ठीक है, समझ लीजिए कोई भी सर्कल है जिसमें सेंटर है, ये हो गया सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और 5, और एक तरफ ये पूरा डायमीटर हुआ और इसका साइड 2 3 दे रखा है, और इसको बताना है मतलब x और y निकालना है, क्लियर, x और y के मतलब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको o मान लें, तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यानी ये साइड इसके इक्विलेंट होगी, ठीक है, तो ये साइड इसके इक्विलेंट होगी, तो इसका मतलब ये एक मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगा दें और दोनों को आपस में इक्वल कर लें, बट वो लेंथी हो जाएगा, अब हम इसको निकालेंगे मिड पॉइंट से, कैसे, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया इन दोनों का, ठीक, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है, तो अभी जो x है वो x बीच वाला सेंटर, ठीक है, x1 मतलब 2 और y1 मतलब x अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, तो -4 माइनस 2 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया -6 आ गया x, अब ऐसे ही ये निकालिए 5 इज इक्वल टू y1 का मतलब 3 प्लस y, यानी ये हो गया 10 प्लस 3, 10 इज इक्वल टू 3 प्लस y, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 3 7, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे -6 और 7, ठीक है, तो -6 और 7 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, तो आपने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर दिया, अब क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन समझिए, फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइंट बाई पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इंटरनली, देखिए हमने पार्ट वन वाले वीडियो में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, अब इसमें बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, आप लोग खुद करिएगा, इसमें क्या दिया है x1 y1 दिया है, ठीक है, आप लोग इसको खुद करिएगा, फॉर्मूला लगा लीजिएगा इंटरनली डिवीजन का, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m दिया है और ये n दिया है, क्लियर, और फॉर्मूला x इज इक्वल टू इंटरनली क्या होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, और y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा, और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखना है तो पार्ट वन में आप देख लीजिएगा, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हिंट देंगे, आप लोग खुद करिएगा। इसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्टिसेस दिए हैं। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, पहले हम रफली एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो रफली में क्या होगा कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि शेप कैसा आएगा इसका। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्स एक्सिस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाई एक्सिस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये एक्स डैश हो गया, ये माइनस में, मतलब हमने जो डिस्टेंस लिया ना वो थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा है, बट आप लोग इक्वल ही लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, आप जैसे ये पॉइंट है -4, -2 तो -4 तो इधर जाएगी और -2 का मतलब यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, -3, -5 तो -3 यहाँ पे गई और -5 यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, -5 यहाँ नीचे आएगा, फिर दोनों 3 - 2 3 यहाँ पे आया, -2 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, और 2 और 3 2 यहाँ, 3 यहाँ कहीं होगा, यानी कि क्या बन गया ये, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ये एक रफली डायग्राम में ये बन गया। ठीक है, हम इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है -4, -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -3, -5। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, -2 और इसका 2 और 3। ठीक है, अब इसका एरिया आपको बताना है, एरिया कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए पहले। देखिए हम क्या करें, इसको हमने इसको ऐसे ऐसे इसको मिला दिया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया A, B, C, D। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, यानी दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल करके उनको प्लस कर दीजिए। क्लियर, अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले ABC निकालेंगे, तो X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ये लेकर के इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर हम दूसरे का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 इसको लेकर के एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा जैसे पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने दे दिया, बट एग्जाम में आए तो आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इसको जरूर कर लीजिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के, क्वेश्चन नंबर 11th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए पूछा क्या गया, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ये दे रखा है, यानी 5x + 6y - 30 इज इक्वल टू 0 ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 5x + 6y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि x/a + y/b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको, INTERCEPT, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है, जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें ऐसा, ठीक, तो ये इस लाइन की इक्वेशन है x/a + y/b इज इक्वल टू 1, जहाँ पर x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर a डिस्टेंस, पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो a 0 होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो b होगी, तो इसे हम क्या लिखेंगे 0b, और ये ओरिजिन हो गया 0 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी लाइन जो बनी है इसका मतलब x एक्सिस से a डिस्टेंस है, इसकी x एक्सिस से ओरिजिन से b हो गई। क्लियर, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब यही इसी में कन्वर्ट करके ड्रॉ कर देंगे इसको, तो ये देखिए x का इंटरसेप्ट तो a हो गया, y का इंटरसेप्ट b हो गया, यहाँ पे x का इंटरसेप्ट पूछा गया है। ठीक है, तो
आपको क्या करना है, अब इसको इसमें पहले कन्वर्ट करें, यानी कि यहां पर हमको वन लाना है, तो यहां वन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 30, इसको भी 30 से डिवाइड करूं, इसको भी 30 से डिवाइड करूं, ठीक है, सबको 30 से डिवाइड करना, तो ये तो 1 आ गया, इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, तो कितना आ गया, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब x का इंटरसेप्ट पूछा है, यानी 6 आंसर हो गया इसका, ठीक है, अगर y का इंटरसेप्ट पूछते तो 5 आंसर होता, तो यहां पे x का पूछा गया है, यानी 6 मींस d ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जरूर करके जाइएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द एरिया इन यूनिट स्क्वायर ऑफ द ट्रायंगल इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ दिस एंड दिस। इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाने से क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड क्या है, तो अब ग्राफ बनाने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे तो जल्दी ग्राफ बन जाएगा, कैसे कि पहली लाइन है ये, ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां वन लाना है, तो कैसे कर देंगे, 2x अपॉन 12 5y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, 12 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 6, या कितना जाएगा, 5 दूनी 10 5 चौक 20, यानी कि x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 2.4 इज इक्वल टू 1, ये तो आ गया पहली लाइन का। दूसरा क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 3 है, 1 लाना है, तो x बाई 3 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा ये समझिए, ग्राफ कैसे बनेगा, x पे 6, तो 6 यहाँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x पे 6 यहाँ कहीं 6 हो गया, यानी कि हो गया 6 0, पहले x होगा, y पे 2.4, यहाँ कहीं होगा 2.4, यानी 0 2.4, यानी ये वाली जो लाइन बनेगी ना, ये कौन सी बनेगी, ये इसकी वाली बनेगी, ये वाली लाइन, ठीक, और इसकी कैसे बनेगी, x पे 3 और y पे 3, तो x पे 3 यानी कि यहाँ कहीं होगी 30, और y पे 3 यानी कि 2.4 से ऊपर होगी, ठीक है, यानी इसकी जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी, क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है उसका एरिया बताना है, ठीक, तो यही वाला एरिया तो इंटरसेप्ट ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है ये ट्रायंगल का, ठीक है, तो अब आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करती हैं, इसको हमने मान लिया O, इसको माना A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो सबसे पहले आप C के कोऑर्डिनेट अगर निकाल लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल आएगा कितना, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 6, यहां से यहां तक की है 3, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगी ये डिस्टेंस। अब अगर इसकी हाइट पता चल जाएगी तो हम इसे फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं। अब इसके C के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, अगर कोई लाइन एक दूसरे को कट करती है तो कोई पॉइंट भी तो होगा जो उस पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो अगर हम इस लाइन से x की वैल्यू ले लें 3 माइनस वाई और वो यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो 2x की जगह हम रख दें y प्लस 5y इज इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 12, तो 6 माइनस ये आ गया प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 6 इधर चला गया, कितना हो गया 6 माइनस 12 माइनस 6 6 हो गया 6 बाई 3, y 2 आ गया आपका, ठीक है, अब y 2 आ गया तो x निकाल सकते हैं, तो x कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 आ गया, यानी कोऑर्डिनेट इसके क्या निकले 1 और 2, ये 1 और 2 निकल आए, ठीक, तो अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, x पे तो 1 है, y पे 2 है, तो ये डिस्टेंस 2 हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब इसका लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस हो गया आपका 3 और हाइट हो गई आपकी 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया, यानी कि एरिया कितना होगा 3, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है और इम्पॉर्टेंट है,
और कैसे करेंगे इसे समझ लीजिए. द डिस्टेंस ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन दिस एंड दिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको पहले चेंज करें, पूरी इक्वेशन को 60 से डिवाइड कर दें. ठीक है, तो ये वन आ गया. 5 × 5 = 10, 12 × 5 = 60. क्या बना? x/12 1. ठीक है, अब हमने बनाया ग्राफ एक्स पे 12 0 और वाई पर 0 और 5. ये बन गई लाइन आपकी. ठीक है, आपको बताना क्या है, यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है. देखिए अब ये 12 है, ये 5 है, तो ये निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये मान लो x है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5² + 12² यानी कि 25 में 144 जोड़ दीजिए, 5 × 9 = 13. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया है. ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है. और द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना लें जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3. यहाँ कई कोऑर्डिनेट हैं, 2 और 3. ठीक है, अब यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया, यानी कि ये जो सर्कल है यहाँ पे बना देते हैं ऐसा. ठीक है, और यहाँ पर कोई टेंजेंट है तो ये बताना है आपको डिस्टेंस, यानी कि रेडियस बतानी है, ये आर. ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला. अगर किसी पॉइंट से, ये समझ लीजिए मैंने पार्ट वन में भी फॉर्मूला बताया है. ठीक, आप ये समझ लो कि अगर कोई लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है. ये कोई पॉइंट है P मान लो, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ, या x और y की जगह x1 y1 लेना है, तो ax1 + by1 + c / √ इसके कोफिशेंट a² + b². ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर आएगा. हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, जहां पर हमने x1 और y1 ले रखा वहां 2, 3 है और इक्वेशन आपको ये दे रखी है. ठीक है, तो रेडियस यानी आर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, x की जगह 2, y की जगह 3, -7. ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होगा इसका, 4² + 3² मॉड में 8 + 9 - 7 अपॉन 16 और + 9 = 25 का स्क्वायर रूट 5, ऊपर आ जाएगा 10/5 मॉड में 2. ठीक है, तो रेडियस इसकी 2 हो गई, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन मोस्टली वो कराए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली एग्जाम में पॉसिबिलिटीज पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है. तो चलिए इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं वीडियो ओवर कर रही हूँ. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन. जय हिंद, जय भारत.